सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो दोस्तों, यहां पे मैं आया हूं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करने, एक निवेदन करने, हाथ जोड़ कर आपसे याचना करने. दैट इज, प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज माई फ्रेंड्स, प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज. क्या कर रहे हो आप? व्हाट आई एम सेइंग इज, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. उन्होंने अपनी स्टडीज को होल्ड में डाल रखा है कि सर नया सिलेबस आने वाला है, नया सिलेबस आने वाला है. स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट नवंबर 23 या मई 24 में गिरने वाला है, उन बच्चों ने अपने स्टडीज को पूरी तरीके से होल्ड में डाला हुआ है. दे आर नॉट प्रिपेयरिंग, या फिर दे आर नॉट प्रिपेयरिंग इन अ डेडिकेटेड मैनर कि लेट द न्यू सिलेबस अनाउंसमेंट कम एंड देन वी डिसाइड. यार एक चीज दिमाग में तुम बैठा लो, हर एक दिन तुम्हारे लिए कीमती है. एवरी डे इज प्रेशियस, एवरी आवर इज प्रेशियस, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम ओनली वेटिंग फॉर द आईसीए अनाउंसमेंट. प्लीज डोंट डू दैट. दोबारा से मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, दोबारा से आपसे कह रहा हूं भाई, इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा, नहीं आएगा. तुम पढ़ना स्टार्ट करो मेरे भाई, सिर्फ वेट मत करो. हर एक दिन कीमती है, तुम क्या कर रहे हो यार, हर एक दिन कीमती है. एवरी डे इज प्रेशियस, प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज. जिनका मई 23 में एग्जाम्स है, विदाउट हेजिटेशन पढ़ते रहो, तुम्हारे लिए कुछ चेंज है ही नहीं. जिनका नवंबर 23 में एग्जाम है, अभी फिलहाल श्योर नहीं है कि नवंबर 23 से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो आप तो पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से, है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है न्यू सिलेबस नवंबर से एप्लीकेबल. मई 24 की बात करें तो वहां से न्यू सिलेबस डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा, बट आप भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई. सिलेबस में कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है. एक लॉ नहीं रहेगा सीए फाइनल के अंदर, तो लॉ मत पढ़ो. तुम ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू टेक द कोचिंग्स नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, कोचिंग्स 20 दिन बाद लगा लेना, 1 महीने बाद लगा लेना. कोचिंग्स लगा भी लोगे तो दिक्कत नहीं है. 80% सिलेबस सेम रहेगा, माइनर चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशन होंगे, अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको. एसएफएम स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, कुछ मेजर चेंजेस नहीं होने वाला. जो भी चेंजेस होगा आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना? तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट्स यार. ऑडिट स्टार्ट कर लो, एसएफएम स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर लो इन सब्जेक्ट्स के साथ. एटलीस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, प्लीज डोंट पुट देम ऑन होल्ड. मान लीजिए लेट्स से कि अगर अनाउंसमेंट 15 जनवरी तक भी आता है, या 20 जनवरी तक भी आता है, या 10 जनवरी तक भी आता है, वी डोंट नो, या मे बी जैन एंड तक भी आता है, तो इतने दिन आप वेस्ट नहीं कर सकते हो वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट. प्लीज स्टार्ट प्रिपरेशन. सीए की जर्नी में हर एक दिन आपके लिए कीमती है, हर एक दिन आपके लिए प्रीशियस है, राइट? तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन माय फ्रेंड्स, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आपने जिनसे क्लासेस लेनी है आप लो, मुझसे लेनी है, किसी और फैकल्टी से लेनी है लीजिए, जिनसे क्लासेस लेनी है, जिसपे आपको फेथ है. लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आपसे बस यही है, मेरे भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना? क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि आप रिग्रेट करोगे फॉर द टाइम दैट यू हैव वेस्टेड. So start your preparations now. All the very best.